दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक और नई अच्छी खास दिव्य औषधि से परिचित कराऊंगा और उसके महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसकी पूरी जानकारी लीजिए। अगर वीडियो की जानकारी अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे हमारे इस चैनल पर हर दिन रोजाना नई नई वनस्पतियों की अच्छी अच्छी वीडियो आती है। तो चलिए बिना देर के हुए आप लोग को बताते हैं इस झाड़ी में अभी मैं इस दिव्य औषधि को लेने आया हूँ और तोड़ करके ले जाने आया हूँ। सकते हो अभी आपको दिखाई दे रहा है गुच्छों में, ये कांच का फल है और इसी कांच के फल के अंदर से आज हम कांच का बीज निकालेंगे। यह कांच का फल अभी पक करके सूख गया है और इस पूरे ऊपर में दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अगर कांच बीज को कभी भी तोड़ते हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक तोड़ना, क्योंकि इसके जो फल के ऊपर में छोटा छोटा रेशा होता है, यह अगर उड़ करके या फिर गलती से इसे पकड़ लो, शरीर में टच हो जाए, हाथ पैर कहीं भी, तो आपकी खैर नहीं, इतना ज़्यादा भयंकर खुजली जलन दर्द होगा कि आप छटपटाते रह जाओगे। अगर इस तरह से कभी कांच बीज तोड़ते समय हाथ में या कहीं भी लग जाए इसका भूरा भूरा रेशा और खुजली जलन हो तो घबराइए नहीं, उसका भी सलूशन है। अगर आपके आसपास में कोई कच्चा गोबर है गाय का भैंस का, तो उसको तुरंत वहाँ पे लगा दीजिए। लगाने के बाद कुछ देर रखे रहें, उसके बाद पानी से हाथ को धो लें या फिर पैर को जहाँ लगा है वहाँ को। इस तरह से करने पर जलन खुजली शांत हो जाता है और उसका दर्द मिट जाता है। ये इसका सलूशन है। अब मैं आप लोग को इसको तोड़ के ले जाके फोड़ के इसका बीज आपको निकाल के बताऊँगा और इस कांच बीज के इतने सारे फायदे मैं आपको बताऊँगा कि इसके बारे में जानकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। यह गांव देहात में बड़ी आसानी से मिलता है और नदी नाले के किनारे किनारे झाड़ियों में होता है, मगर बहुत से लोग इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं कि यह हमारे लिए कितनी उपयोगी है और इससे हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं और सिर्फ इसी का सेवन करके हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होने से भी बच सकता है, क्योंकि यह अद्भुत दिव्य औषधि है ताकत की बढ़ोतरी के लिए। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद है। यह कांच बीज भरपूर काम शक्ति वर्धक है। इसके फल को भी तोड़ करके कुचल के इसके बीज निकालना बहुत ही खतरनाक होता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं जोखिम उठा के आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और इसको इकट्ठा भी करेंगे बाद में सभी जो इधर उधर लगा है सभी को। फिलहाल मैं आप लोग को ये कांच का बीज औषधि प्रयोग बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और अगर आपके आसपास में ये पौधा है तो इस्तेमाल कीजिए, बशर्ते इसको तोड़ते वक्त फल को छूना नहीं है, नहीं तो खलबली मचा देगा। और कूच के जब इस तरह से आप इसका बीज निकाल लो तो इसके बीज को सुखा के पाउडर कर लेना है, पीस करके। पाउडर करने के बाद किसी डिब्बे में अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद आप इसे सुबह शाम 3 से 5 ग्राम के बीच में खा सकते हैं। लेकिन इसको किस किस लोगों को खाना है, किसको नहीं खाना है, ये भी सुन लीजिए, जान लीजिए, ताकि बाद में आपको इसका दुष्परिणाम ना मिले। तो 3 से 5 ग्राम इसकी सामान्य मात्रा है, जिसे कोई भी खा सकता है जिसको ज़रूरत है। और कौन कौन इसे खा सकता है उसको सुन लीजिए। जो कमज़ोर है, जिसका हाथ पैर कांपता रहता है, शरीर में बहुत थकावट बनी रहती है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, उसके अंदर में जान नहीं है, उसकी नसों में ताकत नहीं है, उसका वीर्य बहुत कम है, बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है, स्त्री को अपनी बीवी को खुश करने की ताकत नहीं है, इस तरह से जो कमज़ोर थके हारे व्यक्ति होते हैं, जिनकी पूरी अंदर की ताकत खत्म हो चुकी होती है, इस तरह के व्यक्ति और इस तरह के महिला इसका सेवन कर सकता है, क्योंकि यह कांच बीज बहुत गर्म होता है और कमज़ोर व्यक्ति के खून में गर्मी ला करके उसके सप्त धातु को बढ़ाता है। और यह इतना ही नहीं, हर इंसान के शरीर को हमेशा फिट रख सकता है। अगर मोटा व्यक्ति इसको कांच बीज के पाउडर को सेवन करता है लगातार, तो उसका मोटापा कम होने लगता है, और जो पतला व्यक्ति होता है अगर वह सेवन करता है तो उसका दुबला पतला शरीर, हट्टा कट्टा, हष्ट पुष्ट होने लगता है। यह शरीर को हमेशा जवान और फिट रखने का बहुत ही महादिव्य औषधि है। इसके सेवन करने से पेशाब संबंधी सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, धातु प्रमेह, शीघ्र पतन, पेशाब में जलन, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब का पीलापन आना, पेशाब संबंधी हर तरह की समस्या कांच बीज ठीक करता है। दिल के रोग को भी खत्म करता है, दिल की धड़कन सुधारता है, फेफड़े को हमेशा साफ और शुद्ध रखता है यह कांच बीज, या पूरे बॉडी को मेंटेन करके रखता है अगर कांच बीज लिया जाए तो प्रतिदिन।
लेकिन इसे कितनी उम्र के लोगों को लेना चाहिए? यह कवच बीज का पाउडर बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में किसी भी प्रकार की धातु क्षय वाली समस्या नहीं होती है, मर्दाना ताकत की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है, और यह काम शक्ति को बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा इसकी प्रकृति गर्म होती है, इसलिए बच्चों को इसे नहीं खिलाना चाहिए। शादी होने के बाद ही इसका पाउडर शादीशुदा मर्दों को देना चाहिए, जिससे उनका गृहस्थ जीवन अच्छे से चल सके और उनका शरीर हमेशा जवान और फिट रह सके और कभी भी उसकी बीवी उससे नाराज ना रहे। और जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस माता को भी, उस महिला को भी इस कवच बीज से दूर रहना चाहिए, और जो गर्भवती माँ बहनें हैं उनको भी इस कवच बीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे गर्भपात होने का खतरा रहता है, क्योंकि यह बहुत गर्म होता है, शरीर में काम शक्ति को बढ़ा के मन में एक खलबली मचा देता है, चुल मचा देता है कि मुझे संभोग क्रिया करना है, रति क्रिया करना है। इसलिए दूध पिलाती महिला को और गर्भवती महिला को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन उसे करा दिया जाए तो काम शक्ति बढ़ने की वजह से संभोग क्रिया में ही उसे हमेशा लिप्त रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी गर्भ में पल रहे बच्चे को खतरा हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिला ना खाएं कवच बीज तो ही अच्छा है, और बच्चे भी ना खाएं तो ही अच्छा है। सिर्फ 18+ ही इसे खा सकते हैं। यह कवच बीज बहुत काम शक्तिवर्धक है और लंबे समय तक संभोग टाइम को बढ़ाने वाला होता है। और जिनकी आयु 18 से ऊपर हो चुकी है और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसकी भी यह हाइट बहुत जल्द बढ़ाता है, क्योंकि शरीर की हाइट बढ़ाने वाली हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन्स को यह बहुत जल्दी विकसित करता है कवच बीज। इसलिए जिनका 18 साल से उम्र ज़्यादा है, वे लोग हाइट बढ़ाने के रूप में भी कवच बीज का पाउडर इस्तेमाल कर सकता है। यह उनके लिए एक अद्भुत टॉनिक होगा। मात्रा सिर्फ वही है 3 से 5 ग्राम, चाहे कोई भी सेवन करे, और सुबह शाम हो सके तो दूध के साथ सेवन करें, या फिर शहद के साथ, या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ। तो दोस्तों, यह कवच बीज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर